नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है नोरा फतेही। नोरा फतेही एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक मॉडल एवं एक बेहतरीन डांसर हैं, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषा की फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। नोरा फतेही अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलती हैं, हालांकि उनको हिंदी, फ्रांसीसी और अरबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है। 2016 में वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए टोरंटो के शोहरम में गईं, लेकिन वहां गोलाबारी में फंस गईं और बाल बाल बच गईं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो के ओंटारिया में हुआ। उनका असली नाम नोरा फतेही था। उनका बचपन कनाडा में ही बीता। नोरा एक इस्लामिक अरबी मोरक्कन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी जड़ें भारत से हैं, क्योंकि उनके माता पिता तीसरी पीढ़ी के भारतीय हैं। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है उमर। नोरा को बचपन से ही एक्टिंग एवं डांस में बहुत शौक था। उन्हें बचपन से ही कुछ अलग करना था, जिससे वह दर्शकों का मनोरंजन कर सके। उन्हें अपने स्कूल के दिनों में ही इंटरनेट से वीडियो देखकर बेली डांस सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की और एक मॉडल और टैलेंट एजेंसी ऑरेंज मॉडल प्रबंधन ने अपनी मॉडलिंग के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नोरा ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई वेस्ट व्यू सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई और अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में प्रवेश लिया, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। वह पढ़ाई में मेधावी होने के साथ साथ प्रदर्शन कला में भी प्रतिभाशाली थी। वह अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस दिया करती थी। उन्होंने साल 2014 में फिल्म रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबन के साथ अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने डबल बैरल, टेम्पर, बाहुबली द बिगनिंग, किक 2 और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उन्हें स्पेशल अपीयरेंस दी गई थी। उसी वर्ष उन्हें भारत के सबसे पसंदीदा फिल्म बाहुबली द बिगनिंग में प्रभास और राणा दुग्गावती के साथ आइटम गीत मनोहरी में भी दिखाया गया। साल 2018 की शुरुआत में उन्होंने अपनी एक्टिंग की झलक तब दी जब उन्होंने यूट्यूब के चैनल द टाइम लाइनर्स में लेडीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंगल गर्ल्स के साथ अपनी वेब सीरीज की शुरुआत। उन्होंने बिग बॉस के सीजन 9 में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री मिली, लेकिन वह शो में 83वें दिन तक बेदखल हो गई। इसके अलावा उन्होंने साल 2016 में उन्हें एक प्रतियोगी के रूप में देखा गया था झलक दिखला जा शो में। वह अपनी सिद्धि की ऊंचाइयों पर तब पहुंची जब उन्होंने 1990 के गीत दिलवर के रिक्रिएट संस्करण में अपनी बेली डांस के साथ साथ सनसनी पैदा कर दी, जिसे 1990 में सुष्मिता सेन और संजय कपूर पर फिल्माया गया था। यह गाना 100 मिलियन व्यूज प्राप्त करने वाले सबसे तेज गानों में से एक बन गया। दोस्तों, अगर नोरा की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 5 मिलियन के आसपास है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।